And next, let's try 5. In let's try 5, arrange these words in the correct alphabetical order. So, बेटा, arrange इसमें क्या करना है? Alphabetical order में इसको arrange करना है. तो कैसे करना है? First में कह दिया हुआ है banana, apple, pear, plum and papaya. तो first में यहाँ पे बेटा क्या आएगा? Apple आएगा. A for apple. अब B से banana. फिर C D नहीं है इसमें. E नहीं है. F नहीं है. तो क्या दिया है? P. P for तो P A है यहाँ पे. P E है. तो पहले क्या लिखा हुआ है? P A papaya. फिर A के बाद E आता है ना? चूंकि तीनों ये क्या है? P P P. तो इसमें A के बाद E, फिर E के बाद L. तो ऐसे बेटा ये फिर lake river. तो इसमें first में क्या आएगा? Lake आएगा. ठीक है, lake. फिर ocean. L M N O M N नहीं है तो O. O के बाद क्या आएगा? O P Q नहीं है तो इसमें R से river. तो ऐसे बेटा R के बाद फिर S. तो ऐसे ये आपको पूरे alphabetically ही करने हैं. And next है punctuation. After let's try 5, let's try 6. So in let's try 6, circle all the punctuation marks in these sentences. बेटा आप लोग punctuation आपने पढ़ा है, third class में punctuation आपने पढ़ा है ना, उसमें क्या use होता है? Use capital letters का करते हैं. Use हम punctuation marks में, जैसे full stop है, comma है, तो इसका use हम करते हैं. So, quotation mark है, तो इसमें क्या-क्या होते हैं punctuation mark में, ये आपने पढ़ा है ना? Capital letter, full stop, question mark, exclamation point and quotation marks. तो बेटा, let's try 6 में आपको क्या करना है? Circle the punctuation marks in these sentences. इन sentences में जो भी punctuation marks दिए हुए हैं, उसे आपको circle करना है, okay? And next, let's try 7. तो let's try 7 में complete these sentences by adding the correct punctuation marks and begin the sentences correctly. Do in your notebook. ये आपको notebook में लिखना है. इसमें क्या करना है? This है. तो ये जो first letter सारे small दिए हुए हैं, इसको आपको capital में करना है. And last में punctuation mark use करना है. अगर question है तो question mark. अगर affirmative sentence है तो क्या use करेंगे? Full stop. Okay, let's try 7. ऐसे आपको बेटा complete करना है. And next, let's try 8. So let's try 8 में the commas are missing. बेटा इसमें let's try 8 जो दिए हैं, इसमें comma जो है वो miss हो गए हैं, है ना? तो add them in the right places. और इसे comma बीच-बीच में जहाँ भी जरूरत हो उसे लगाना है. तो देखो, बेला, रजनी, नेहा एंड समीरा आर गुड फ्रेंड्स. तो यहाँ पे बेला के बाद कॉमा, रजनी के बाद कॉमा, क्योंकि नेम्स बेटा 3-4 नेम्स हैं. तो 4 नेम्स के 3 नेम्स में हमने कॉमा यूज किया है. एंड जहाँ पे है वहां पे कॉमा यूज नहीं करेंगे. जब कई नाम एक जैसे एक साथ आते हैं, चाहे वो किसी के भी बॉयज के नाम हो, गर्ल्स के नाम हो, या फिर रिवर के नाम, चाहे कोई भी नेम हो, अगर 3-4 नेम्स एक जैसे आते हैं तो वहां पे हम लोग कॉमा का यूज करते हैं. ओके, तो लेट्स ट्राई. एंड बेटा लेट्स ट्राई 9 में लास्ट है ये लेट्स ट्राई 9. इसमें भी क्या करना है आपको? फ्रॉम द ट्रेन विंडो आई कैन सी, मींस मैं क्या, मैं इमेजिन यू आर ट्रेवलिंग बाय अ टॉय ट्रेन. इमेजिन करो कि आप टॉय ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो. एंड व्हाट वुड यू सी आउटसाइड द विंडो, और आपने विंडो से क्या देखा बाहर? व्हाट वुड यू हियर, आपने क्या सुना? ट्राई फिलिंग दीज ब्लैंक्स विद द थिंग्स योर इमेजिन. तो यहाँ पे आपको ये इमेजिन करके आपको यहाँ पे नोट करना है. अगर आप टॉय ट्रेन में हो, घूम रहे हो, बाहर खिड़की से देख रहे हो, क्या सुन, क्या आपने देखा, क्या सुना, तो यही आपको यहाँ पे नोट डाउन करने हैं. ओके, यू कैन राइट एज मेनी थिंग्स एज यू कैन थिंक ऑफ, मीन्स जो भी आपको वो आप लिख सकते हो जो आपने बहुत सारी चीजों को देखा और सोचा. ओके, एंड ये स्टोरी, ये एक्सरसाइजेस आपकी बेटा कंप्लीट होती है. नेक्स्ट में चैप्टर 2 या फिर
चैप्टर टू प्रैक्टिस बुक एक्सरसाइजेस एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगी। थैंक यू।